गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 7 तारीख दिन बुधवार, नागलोई मंडी। दोस्तों आज मौजूद हूँ फूल मंडी में नागलोई के। अगर आपको पीड़ागढ़ी साइड से आना है तो आपके राइट हैंड में पड़ेगा, और आप अगर बहादुरगढ़ या टिकरी बॉर्डर साइड से आ रहे हो तो लेफ्ट में पड़ेगा आपका। और अपोजिट में है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट, और नियर बाय है HP पेट्रोल पंप नागलोई का। बाकी दोस्तों फूल में भी आपको पता ही है डेली का रेट होता है, जैसे अगर कोई फेस्टिवल आ जाता है तो डबल ट्रिपल 4 गुना भी रेट देखने को मिल जाता है फूलों में तेजी। अगर कोई त्यौहार नहीं रहता, कोई फेस्टिवल नहीं रहता तो 4 गुना गिर भी जाता है। बाकी आज का जानेंगे फूलों का भाव। और नागलोई मंडी में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा गेंदे का फूल मिलेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ का बिक्री जो है गेंदे का फूल का है। नमस्कार सर जी। सर जी ये थोड़ा वो भाई फूलों का, ये इंग्लिश कटिंग वाला है। अच्छा, क्या रेट बेचते सर? ये 200 रुपये किलो है। अच्छा जी, इनमें फ़र्क क्या होता है सर? और ये वाला, ये देसी है जी, ये देसी गुलाब है। अच्छा जी, हाँ जी। तो फर्क क्या रहता है सर इसमें इंग्लिश? ये जड़े नहींगा 2-3 दिन। अच्छा, ये शाम तक जड़ जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी। मतलब इसका लाइफ ज़्यादा है? हाँ, इसका लाइफ ज़्यादा है इसका, ये 3 दिन चल जाएगा सही। अच्छा जी, मतलब ये कुल जो है 3 दिन चल जाते हैं। हाँ जी। और ये कमल फूल क्या रेट बेचे सर? ये कमल फूल है 20 रुपये का एक पीस है जी। 20 रुपये का होलसेल में? हाँ जी। और यदि अगर किसी को रिटेल में बेचना हो आगे तो वो कितने रुपए का बेचेगा? वो उसका तो दुकानदार तो मैं खाता है जिसको 50-40 रुपये का बेचते होंगे। अच्छा जी। और ये वाला फूल कौन सा जी और क्या रेट? ये गुलदावरी है। क्या रेट बेचे सर? ये 250 रुपये किलो है। अच्छा जी, कल भी ये रेट था या फिर आगे कुछ हुआ? कल के रेट था, कल गुलदावरी का 250 रुपये ये रेट था जी। अच्छा जी, कल भी ये रेट था। हाँ जी, 250। मतलब डेली का रेट रहता है? नहीं, डेली कम बत्ती हो जाता है जी। और आपने ये गेंदे वाला फूल क्या रेट बेचे सर? 50 रुपये किलो जी। 50 रुपये किलो। ये भी कभी कम कभी बत्ती है। ये कोलकाता वाला वैरायटी है या कौन सा है ये? हाँ जी, कोलकाता वाला, कोलकाता का वैरायटी है। दोस्तों सर जो भी रेट बताएंगे जी ये होलसेल का है ना कि रिटेल का? यहाँ पे जितने भी फूल वाले हैं सब होलसेल में बेचते हैं। कम से कम आपको 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेना पड़ेगा, 100-200 ग्राम कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अंकल जी ये जो फूल है ये कितना केजी लेना पड़ता है होलसेल में? होलसेल में 1/2 किलो कम से कम। कम से कम 1/2 किलो ये वाला। अच्छा जी, क्या रेट में चाहिए? 200 रुपये। अच्छा जी, और ये पत्ती वाला अंकल जी? 120 रुपये। कल भी ये रेट था अंकल? कल 150 रुपये था। और ये वाला मोगरा? 200 रुपये किलो। 200 रुपये पर केजी। मोगरा में कितना लेना पड़ेगा कस्टमर को? कम से कम 250 ग्राम होलसेल में। अच्छा जी, अगर यदि ये रिटेल वाला कस्टमर आता है उनके लिए क्या रेट लगता है? वाला आता जैसे छोटे ग्राहक को देते हैं वैसे बड़े ग्राहक को देते हैं। अच्छा जी, बड़े ग्राहक के लिए मतलब कितने रुपए का रहता है और छोटे ग्राहक के लिए कितने रुपए का रहता है अंकल? जैसे रेट 50 का है तो ऐसे ही 10-5 रुपये कम बढ़ती करके। अच्छा जी, 10-5 रुपये कम बढ़ती हो जाता है। और कमल फूल आप क्या रेट बेचें अंकल जी? 20 रुपये का। 20 रुपये का। और ये गेंदे वाला कोलकाता वाला है? 50 रुपये का। दोस्तों ये पीले वाला जो गेंदे का फूल देख रहे हो ये वैरायटी है कोलकाते का, लेकिन दिल्ली में ही बुआई होता है इसका, लेकिन बीज जो है इसका कोलकाते का है। और ये जो आप दोस्तों ये जो ऑरेंज रंग वाला देख रहे हो आप, ऑरेंज वाला है जी 50 रुपये पर केजी, और ये पीले वाला है जी 70 रुपये केजी। इसका जो है पीले वाले का खेती कम होता है, इस कारण जो है 10-20 रुपये उस वाले से तेज है ऑरेंज वाले से। तो एक भाई साहब के दुकान पे आया है जी, मुरादाबादी फूल भंडार के नाम से। इनके पास माला वरमाला हर तरह का चीज़ मिल जाएगा जी, गाड़ी डेकोरेशन से लेकर के पार्टी डेकोरेशन करना हो या शादी ब्याह का डेकोरेशन करना हो, सभी तरह का फूल मिल जाएगा भाई के पास। बाकी देख लो कुछ इस तरह का माला अभी फ़िलहाल में बना हुआ है भाई के पास। अभी तो फ़िलहाल शादी ब्याह का सीज़न नहीं चल रहा है तो शायद वरमाला ना रखा हो, माला वरमाला ना रखा हो तो माला तो दिखाई देता हूँ, वरमाला ना रखा हो शायद भाई के पास। कमल के फूल मिल जाएंगे डंडी वाले भाई के पास। और दोस्तों भाई के पास जो है रजनीगंधा भी फूल मिल जाएगा आपको, बाकी इस तरह से बुके सजाने के लिए भी फूल मिल जाएगा, बाकी सारे आइटम मिल जाएंगे बुके सजाने वाले, जैसे ये सब घास वगैरह लगता है, ये घास लगता है।
ये सारे जो बुके में लगता है जी, ये सारे घास लगते हैं। भाई साहब थोड़ा ये कमल फूल से स्टार्ट कर दीजिए। कमल फूल आप जो है होलसेल में क्या रेट बेचते हैं? 12 रुपए पीस। अच्छा जी, और यदि अगर कोई रिटेलर कस्टमर आता है तो उनके लिए क्या? 15 रुपए। अच्छा जी, और ये रजनीकंदा जी? 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो होलसेल का, और रिटेलर अगर आता है 200 रुपए किलो। 200 रुपए पर के जी। और ये जो बुके वाले फूल हैं सर? ये 15 रुपए पीस। 15 रुपए पीस। अच्छा जी, और जैसे किसी को ये गुच्छा लेना होगा? 160 रुपए का। 160 रुपए कितने पीस रहता है? 20 पीस रहता है जी। अच्छा सर, और ये वाला फूल कमाला जो है वैसे 100 रुपए का है। अच्छा जी, जो एक साथ ले जाता होलसेल वाला 80 रुपए का। 80 रुपए का है। 80 रुपए का एक पीस है जी। और आगे किसी को अगर बेचना होगा सर तो वो कितने रुपए में बेचेगा? 120-150। हाँ जी भाई साहब, ये जो माल है इनके भी थोड़ा रेट बता दो जी। रेट ये रिटेल में ये इस वाले का क्या रेट है जी? ये कनेर का माल है। ये 80 रुपए का एक है। 80 रुपए का होलसेल में या रिटेल में सर? ये होलसेल में ही है। अच्छा जी, और रिटेल वाले कस्टमर के लिए 100 रुपए 90 रुपए। अच्छा जी, मतलब 10-20 रुपए के मार्जिन में आप दे देते हो रिटेल कस्टमर को। ये वैसे 40 का बेचते हैं, होलसेल वाले को 30 रुपए का। अच्छा जी, और यदि अगर कोई आगे सेल करना चाहे सर आपसे ले जा करके तो क्या? 40-50 का बेचते हैं। और ये वाले छोटे वाले? 10 रुपए पीस। अच्छा जी, बड़े कस्टमर के लिए भी 10 रुपए? टोल का हिसाब है इसका। अच्छा जी, टोल करके देते हो बड़े कस्टमर? हाँ, जैसे 50 रुपए किलो लूज फूल है। अच्छा, ये 70 रुपए किलो बना के। अच्छा, बना करके 70 रुपए पर केजी दे देते हो। और ये वाले सर, ये जो आप कम ये गुलाब के फूल बेच रहे हो गुच्छे में? गुच्छे में। हाँ जी, ये क्या रेट मिलता है जी? ये 250 रुपए बंडल है, 80 पीस का। 80 पीस का है। और आगे कितने रुपए का सेल होता है सर? आगे तो वो 20 रुपए 15 रुपए पीस बेचते हैं। अच्छा जी, 15 से लेकर के 20 रुपए बेच सकते हैं आराम से, अच्छे मार्जिन। तो सर ये मंडी जो है कितने बजे खुल जाता है? ये 3:30 बजे खुल जाता है। 3:30 बजे। अच्छा जी, और अपने पास जो वरमाला वगैरह जो बनता है सर, तो वो किस सीजन में प्रॉपर रहता है दुकान पे? ये अब नवरात्रों में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो यदि अगर बीच में अगर किसी को बनवाना हो सर तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? 1 घंटे पहले ऑर्डर दे दो। अच्छा जी, 1 घंटे पहले। तो आप शादी पार्टी के लिए जैसे गाड़ी डेकोरेशन हुआ या सब हो जाता है? शादी पार्टी के लिए डेकोरेशन वगैरह ये सब के लिए फूल चाहिए होगा तो सारा चीज़ मिल जाएगा? सब होता है। तो पहले फ़ोन करके कस्टमर आपको बता दे या फिर यहाँ पे दुकान में आकर के बताना? पहले बता दे बेटर रहे। अच्छा जी, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल ना भी हो तो वो आप अवेलेबल करा दोगे? अच्छा, तो सर एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दो या कोई कार्ड दिखा दो। कार्ड दोस्तों, ये भाई साहब का कार्ड है। किसी भी भाई को थोक में फूल खरीदना हो तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने दुकान के लिए, छोटे दुकान के लिए फूल खरीदना हो तो यहाँ पे होलसेल रेट में अच्छे रेट में मिल जाएगा फूल। शादी पार्टी, शादी ब्याह, माला वरमाला, किसी भी चीज़ के लिए भी अगर फूल चाहिए हो तो भाई साहब से संपर्क कर लेना। 1-2 घंटे पहले फ़ोन करके आ जाना आप, जो चीज़ अगर इनके पास अवेलेबल ना भी हो तो वो अवेलेबल करा सकें। और दोस्तों, बुके के लिए घास भी मिल जाएगा। बाकी एक बार भाई साहब से जानकारी ले लेता हूँ घास का रेट। हाँ जी भाई साहब, ये जो घास है ये वाले का सर रेट होता है? ये 10 रुपए गड्डी होती है। 10 रुपए गड्डी। वो 300 रुपए का बंडल है, 10 बंडल है उसमें। बड़े बड़े? हाँ, बड़े बड़े 10 पत्ते होते हैं। वो फरल पत्ता है, वो 200 रुपए का बंडल है। उस बंडल में कितना पीस रहता है? उसमें होते 100-150 पीस। और भी कुछ बुके में लगता है इसके अलावा? हाँ, काफ़ी लगता है, अब तो ख़त्म है माल। अच्छा जी, मतलब जल्दी आना पड़ेगा। दोस्तों, दीदी का जो काम है फूलों का ही है जी, 12 महीने इनके पास आपको फूल मिलेगा हर तरह का, जैसे सीजन के हिसाब से जो भी फूल चलता हो वो इनके पास अवेलेबल मिलेगा। बाकी ये दीदी जो है होलसेल में भी सेल करते हैं और रिटेल में भी। बड़े कस्टमर के लिए भी फूल मिल जाएगा यहाँ पर और छोटे कस्टमर के लिए भी। इस तरह के बंच मिल जाएंगे जी गुलाब के फूल का। और ये गुलाब की पत्तियां हैं और ये जो है अंग्रेजी गुलाब है, इसका जो सेल्फ लाइफ है थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये जो है अपना देसी गुलाब है जी। एक किलो।
कमल के फूल मिल जाएंगे और बाकी जो है बुके सजाने के लिए भी सिस्टर के पास जो है काफ़ी सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, और गेंदे का फूल मिल जाएगा इनके पास। अभी तो मंडी एंड होने जा रहा है, लगभग सारा चीज़ बिक चुका है हर किसी के पास। कम से कम जो आपको यहाँ पे 4 बजे आना पड़ेगा, 4-4:30 बजे आ जाना पड़ेगा मंडी में। 4:30 से लेकर 6-7 बजे तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है जी यहाँ पे। नमस्ते दीदी, ये बड़े कस्टमरों के लिए ये अंग्रेजी वाला फूल जो है गुलाब के, ये क्या रेट का जी? ये वाला गुलाब 200 रुपए किलो और वो वाला गुलाब 160 रुपए किलो है। अच्छा जी, और ये भी वो भी 160 है। अच्छा जी, और ये गुलाब की पत्तियाँ? गुलाब की पत्तियाँ 120 रुपए किलो है। अच्छा, ये हल्की है या फिर मतलब फ्रेश? ये हल्की है, फ्रेश वाली उधर है। अच्छा, जो फ्रेश है वो क्या रेट? वो 150 रुपए किलो है। 150 रुपए पर केजी। और ये वाला? ये वाला 250 रुपए किलो है। दीदी ये कौन सा फूल है? गुलदावरी। अच्छा, ये कल भी ये रेट था? हाँ। अच्छा जी, और ये बुके सजाने के लिए जो आपके पास वो 10 रुपए गड्डी है? 10 रुपए गड्डी। और ये वाले पत्ते, चौड़े वाले पत्ते 40 रुपए गड्डी है। 40 रुपए गड्डी, उसमें पीस कितना रहता है गड्डी में? 10 पीस होता है एक गड्डी में। अच्छा जी, और कमल के फूल क्या रेट बेचे आप? 100 के 4-5। अच्छा जी, 100 के 5 मतलब 20 रुपए पीस। हाँ। अच्छा जी, वो अशोक का पत्ता है, वो गुच्छा है 50 रुपए का, एक गुच्छे में 10 लड़ियाँ हैं। 10 लड़ियाँ हैं। गुलाब के बंडल है वो 160 रुपए का बंडल है, 20 फूल है एक बंडल में। और गेंदे का फूल क्या रेट बिका? गेंदे का फूल 50 रुपए किलो है। ये कोलकाता वाला वैरायटी आता है? हाँ जी, 50 रुपए किलो। और जो दूसरा आता है अपना दिल्ली वाला जो है? देसी वाला 30-40 रुपए किलो है। हाँ, तो अभी 2-3 दिन से बाजार सेम चल रहा है या अप डाउन हो रहा है? नहीं, 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो आप कुछ दुकानदार भी है या फिर यहीं पर? नहीं, यहीं पर है बस, पार्क के सामने। हाँ जी, धन्यवाद। दोस्तों आप ये जो गली देख रहे हो, इस पूरे गली में जो है फूल बिकता है सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के 6-7 बजे 7-8 बजे तक। पूरा एकदम भीड़ से घुसा हुआ रहता है गली, और बाकी जो बीच में थोड़ा सा जगह है जी बाहर पार्किंग के लिए, वहाँ पे भी पूरा फुल बिकता है। बाकी आप 6 बजे आओगे या 5 बजे आओगे तो खुद ही समझ जाओगे जी इस मंडी में किस तरह का भीड़ लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड है यहाँ पर गेंदे का फूल का है, बाकी उसके बाद गुलाब का आ जाता है, फिर उसके बाद और भी कई प्रकार के फूल हैं उसका डिमांड है जी यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड है गेंदे का फूल का। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाकी किसी दिन जो है और सवेरे आकर के इस गली का भीड़ आपको दिखाऊँगा, जो किस तरह से भीड़ लगता है और किस तरह का माहौल होता है यहाँ पे। किसी को 20-25 किलो या 40-50 किलो अगर फूल चाहिए हो तो इस मंडी से आप ले जा सकते हैं जो नियर बाय रहते हों।